गाइस, यदि आपके पास ना मोरफो डिवाइस है, यदि आप ना अपने स्मार्टफोन में मोरफो डिवाइस का यूज करते हैं, यदि आपको भी ना डिवाइस में यह प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ना आप मोरफो डिवाइस को ना आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं, जैसे ना आप कनेक्ट करते हैं और यहां पर आप रिफ्रेश करते हैं, तो यहां पर आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आप यहां पर आप देख रहे हैं, नो सिंगल डिवाइस रजिस्टर्ड इट। तो गाइस, आपको ना इस प्रॉब्लम को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, यदि आपके में भी यह प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ना किस प्रकार से ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे पास ना मोरफो का डिवाइस है, और यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे पास ना यहां पर बहुत सारे OTG भी है, और यह जो आप OTG देख रहे हैं, यह मैंने न्यू OTG यहां पर परचेस किए हुए हैं, एकदम न्यू OTG है। और यहां पर मेरे पास ना एक प्रॉक्सी की है, और यहां पर कार लीडर है, और यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे पास ना मोरफो का डिवाइस भी है, और यहां पर मैं डिवाइस को यहां पर जो है ना अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूं, और यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल में यहां पर डिवाइस को कनेक्ट किया और यहां पर रिफ्रेश किया, तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, नो सिंगल डिवाइस रजिस्टर्ड। और यदि आपके में भी यह प्रॉब्लम आ रही है, जब आप डिवाइस को ना मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, यदि आपको भी यह प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ना इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे पास ना इतने सारे OTG हैं, और यहां पर मैं अपने मोबाइल में एक और नया OTG लगाता हूं, जो कि ना यहां पर सबसे अच्छा OTG मैं इसे मानता हूं, काफ़ी अच्छा ये OTG है, और इसे भी मैंने आज ही न्यू परचेस किया। और यहां पर मैं जैसे ना इस न्यू OTG को अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूं, और जैसे ही ना मैंने यहाँ पर OTG को कनेक्ट कर लिया, और फिर जैसे ही ना मैं अपने मोरफो डिवाइस को ना मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऐप पर जाता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही ना मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, नो सिंगल डिवाइस रजिस्टर है। और गाइस, ये जो आप OTG देख रहे हैं, मैंने इन सभी को ना एक एक बार ट्राई करके देख लिया है, और फिर भी यह प्रॉब्लम आ रही है, तो आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है, तो ये हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे पास ना एक और स्मार्टफोन है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिससे यह वीडियो शूट हो रहा है, एक वह मेरे पास मोबाइल है, तो मैं उस मोबाइल में अपने डिवाइस को कनेक्ट करके देखता हूँ, क्या उसमें यह डिवाइस कनेक्ट होती है या नहीं, कि फिर मेरा डिवाइस ही यहाँ पर ख़राब है क्या है, तो हम सब कुछ उस मोबाइल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे पास ना एक सैमसंग का M30 मोबाइल है, और मुझे इस मोबाइल में ना सबसे अच्छी खासियत ये लगी कि इसमें ना बार बार OTG चालू करना नहीं पड़ता है, कि हमें ना बार बार सेटिंग्स में जा करके हमें OTG चालू करना पड़े। ये सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस सैमसंग में, कि हमें OTG चालू नहीं करना पड़ता है बार बार, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही OTG चालू रहता है, हम जैसे ही OTG कनेक्ट करेंगे, ये OTG चालू ही रहता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर OTG को कनेक्ट कर लिया है अपने डिवाइस अपने मोबाइल, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ से ना डिवाइस रेडी हो गई, अब आप इसे यूज कर सकते हैं, डिवाइस इस मोबाइल में वर्क कर रही है, इसका मतलब हमारी डिवाइस सही तरीके से काम भी कर रही है। और यहाँ पर तो मैंने गाइस इसका स्विच बोर्ड भी यहाँ पर चेंज करवा लिया, अपने मोबाइल का स्विच बोर्ड भी यहाँ पर चेंज करवा लिया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा OTG भी जो है ना प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो स्विच मेन बोर्ड है, ये भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉक्सी की यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने प्रॉक्सी की को कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, लाइट ब्लिंक यहाँ पर हो रही, लाइट ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा OTG भी सही है, और यह स्विच बोर्ड भी यहाँ पर सही है, यानी हमारा मोबाइल प्रॉपर तरीके से भी वर्क कर रहा, करंट आ रहा है, तभी तो ये लाइट ब्लिंक भी हो रही है। लेकिन डिवाइस कनेक्ट क्यों नहीं हो रही, ये मेन रीजन क्या है, कारण क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, यदि अगर आपके मोबाइल में ना सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, तो सिंपली आपको यहां से अपडेट कर लेना है अपने सॉफ्टवेयर को। तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे में सॉफ्टवेयर अपडेट मांग ही नहीं रहा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहां पर जो मेरे पास मोबाइल है, यह ना एक रियलमी का मोबाइल है, यहाँ पर अभी तक रियलमी C1 मोबाइल है, इसमें अभी तक कोई नया अपडेट आया ही नहीं है, कोई नया फीचर्स आया ही नहीं, क्योंकि यह काफ़ी पुराना मोबाइल है, तो यहाँ पर कोई अभी अपडेट आया ही नहीं है। और यह जो आप डिवाइस देख रहे हैं, मेरे मोबाइल में यह डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
कोई भी डिवाइस यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही मंत्रा का और ना ही मोर्फो का। और मैंने यहाँ पर ना रियलमी के कॉल सेंटर में भी यहाँ पर बात किया तो उन्होंने बताया कि सर अभी आपके मोबाइल में कोई भी डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पर अभी तक आपके मोबाइल में कोई भी अपडेट नहीं आया है, कोई भी नया वर्जन नहीं आया। और यदि आपके मोबाइल में ना सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए मांग रहा है तो आपको ना सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना, और यह जो प्रॉब्लम आ रही थी यह ना सॉल्व हो जाएगी यदि आप ना सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेते। और यहाँ पर यदि फिर भी आपके में यह प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर आपके OTG में ही प्रॉब्लम है। आप OTG आप चेंज कर लीजिए, OTG न्यू मंगवा लीजिए, आप OTG आप चेंज कर लीजिए, आपके में यह प्रॉब्लम आ ही। और रही मेरी बात मेरे मोबाइल की, तो यहाँ पर जो है ना डिवाइस ही सपोर्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पर मेरा मोबाइल ही डेड है। और यदि आपके पास भी ना Realme C1 मोबाइल है, फिर Realme का कोई भी ओल्ड वर्जन मोबाइल है, तो हो सकता है शायद आपके मोबाइल में यह डिवाइस सपोर्ट ना करें। और गाइस आप ना कुछ इस प्रकार से ना प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि अगर आपके में यह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ना एक बार OTG चेंज कर लीजिए, और यदि अपडेट के लिए मांग रहा तो आप ना सॉफ्टवेयर अपडेट भी आप कर लीजिए। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है।